Hey guys, welcome to the channel and hope you guys are absolutely fine. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग 2024 टोयोटा रैव 4। टोयोटा रैव 4 जो इंडिया में पिछले कुछ सालों से टेस्ट करते हुए दिखा है एंड ये पर्टिकुलर कार जो है ये जापानीज कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा की तरफ से ऑफर की जाने वाली एक कॉम्पैक्ट SUV है और इस कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है ग्लोबली और इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, बट ये इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं आई है एंड जो अपकमिंग टाइम में जो है इस गाड़ी को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोयोटा रैव 4 के डायमेंशंस की। सो लेंथ है 4600 mm जो कि ऑलमोस्ट 4.6 meters है, विड्थ है 1855 mm, हाइट है 1685 mm, व्हील बेस है 2690 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी कैपेबल है जो कि 195 mm की। बूट स्पेस की बात करें तो टोयोटा रैव 4 की बूट स्पेस पेट्रोल वेरिएंट्स में 580 लीटर्स है एंड हाइब्रिड वेरिएंट्स में 520 लीटर्स है। हाइब्रिड वेरिएंट में जो है बैटरी स्पेस ले लेती है बूट में, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको कंपैरेटिवली पेट्रोल वेरिएंट से कम मिलेगा हाइब्रिड वेरिएंट में जो कि 520 लीटर्स की बूट स्पेस है, बट स्टिल 500 लीटर्स से ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एक्सटीरियर लुक की बात करें तो टोयोटा रैव 4 का एक्सटीरियर लुक काफ़ी स्पोर्टी और अग्रेसिव है। इसके एक्सटीरियर में आपको मल्टी LED हेडलाइट्स जो कि ऑटोमेटिक हाई बीम फीचर के साथ आती है और कार को एक काफ़ी मॉडर्निस्टिक लुक भी मिलता है। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं एंड ये पर्टिकुलर अलॉय व्हील्स है प्रीमियम व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे जिससे रोड ग्रिप को इम्प्रूव करता है। रूफ रेल्स भी आपको इसमें दी जाती है जिससे एडवेंचरस लुक भी आ जाता है एंड एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के लिए जो है ये हेल्प करता है। आप आगे जाके इसमें कैरियर वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप एडवेंचरस रूट पर ड्राइव करते हैं तो। LED टेल लाइट्स आपको रियर में दिए गए हैं। रियर स्पॉइलर आपको मिलता है जो कि एरोडायनामिक लुक भी गाड़ी को देता है। सो कॉस्मेटिकली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, SUV तो है ही एंड आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। टेरेन जो है टेरेन का कोई भी इशू नहीं आएगा, आप ये मल्टी टेरेन कार तो ज़रूर है, दिखती भी वैसी है, ऑफ रोड टाइप ही थोड़ा सा इसमें लुक आता है। वही हम इंटीरियर की बात करें तो उतना ही इंटीरियर भी इसका फीचर लोडेड है। इंटीरियर में आपको काफ़ी कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि पावर मून रूफ जो कि केबिन को और भी ज़्यादा एयरी और ब्राइट फील देता है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए आप अपने प्रेफर्ड टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं, 8 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंपैटिबिलिटी मिल जाती है और भी ज़्यादा कंट्रोल फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, JBL के साउंड सिस्टम मिलता है जो कि 11 स्पीकर्स के साथ आता है, सॉफ्टटेक्स का लेदर सीट्स आपको दिए गए हैं जो कि पावर एडजस्टमेंट और हीटिंग फीचर के साथ आते हैं और कार में कंफर्ट लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि 7 inches का है जिसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करता है। सस्पेंशन सिस्टम की अगर बात करें टोयोटा रैव 4 का सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें फ्रंट में MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन है और रियर में मल्टी लिंक सस्पेंशन लगा हुआ है जिससे रोड बम्प्स और अंडुलेशंस को ऑब्जर्व कर लेता है और ये काफ़ी इफेक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इंजन की। सो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है नॉर्मल पेट्रोल इंजन और दूसरा आता है हाइब्रिड इंजन। सो 2 इंजन ऑप्शन है, पहला है 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 203 BHP की पावर और 249 Nm का टॉर्क, और दूसरा जो हाइब्रिड इंजन है वो है 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कंबाइन 219 BHP की पावर आउटपुट देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो कि है सेफ्टी फीचर्स। टोयोटा रैव 4 का सेफ्टी लेवल भी काफ़ी हाई है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो कि ड्राइवर को रिवर्स पार्किंग या बैकिंग अप करने में वार्निंग सिग्नल भी देता है, प्री कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट यानी कि ड्राइवर अगर लेन अनइंटेंशनली डेविएट भी करता है तो ये सिग्नल दे देता है वार्निंग का, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, रोड साइन असिस्ट जिससे कि ड्राइवर को रोड साइन जैसे स्पीड लिमिट, स्टॉप साइन, डू नॉट एंटर जैसे साइंस को जो है पहले ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर रिकॉग्नाइज करा देता है तो ड्राइवर जो है पहले ही अलर्ट हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो अपडेटेड फीचर्स है आपको टोयोटा रैव 4 में मिलते हैं और अगर ये इंडिया में आती है तो इंडिया में ऐसे फीचर्स को काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अट्रैक्टिव फीचर्स को लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड गाड़ी के सेल्स जो है
इसमें ज़्यादा हेल्प हो जाता है गाड़ी के सेल्स में, क्योंकि अट्रैक्टिव फीचर्स जो हैं वो लोगों को चाहिए, भले वो यूज़ करें या ना करें। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 2024 के मिड तक। टोयोटा ने अब ला देना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल से जो है इस गाड़ी को रोड पे इंडियन रोड्स पे टेस्ट करते हुए स्पॉट हुआ है। एंड प्राइस जो है इस कार की 15 लाख रुपीज से मोस्ट प्रॉबली स्टार्ट हो सकती है, बट स्टिल और ज़्यादा भी हो सकती है जिस प्रकार से इस गाड़ी में फीचर्स दिए गए हैं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द अपकमिंग 2024 टोयोटा RAV4, जो कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।